वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हेयर. वेलकम टू ई कॉमर्स जोन. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फ्रॉम द डॉक्टर एस के सिंह का जो बुक है उसको मैं फॉलो कर रही हूँ विद अ लाइन बाय लाइन. एंड वो जो बुक है वो 2020 लेटेस्ट एडिशन की है फ्रॉम दिस ईयर. अगर आपके पास पुरानी बुक है डोंट वरी, आप टॉपिक को मैच कर लेना एंड उससे गो थ्रू आप कर सकते हो. ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही ईयर का, लेकिन हाँ ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है. ठीक है, हार्डली 2-3 साल पुराना हो तो चलेगा. ठीक है, चलो आज जो हमारा टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साझेदारों के मध्य लाभों का विवरण या क्या है वितरण, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग पार्टनर. इसके बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि जो साझेदार हैं उनके मध्य, यानी कि उनके बीच में पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी, जो जितने भी साझेदार हैं, 2 पार्टनर हो या 4 पार्टनर हो. ठीक है, साझेदारों के मध्यों में लाभों का, जो भी प्रॉफिट हुई है बिजनेस में, जो नेट प्रॉफिट हुई है, उसका कैसे हम विभाजन करेंगे, कैसे वितरण करेंगे, उसकी थ्योरी पार्ट अभी हम देखेंगे यहाँ पर. ठीक है, क्या कहता है इस बुक में. सबसे पहले आप देखोगे, फर्स्ट पॉइंट इज हियर, साझेदारी वैधानिक व्यवसाय करने एवं लाभ हानि के तय अनुपात में बांटने के लिए साझेदारों के मध्य समझौता का परिणाम है. पहला पॉइंट पे ध्यान देना, जो पार्टनरशिप है हमारी वो क्या है, वैधानिक व्यवसाय, यानी कि लीगल बिजनेस होनी चाहिए करने के, लीगल बिजनेस होनी चाहिए करने, एवं जो भी लाभ हानि का, जो भी लाभ हानि को तय अनुपात, या तो आपस में आपने पहले ही तय कर लिया होगा कि 1:1:1 में लेना है या 1:2:1 में लेना है. ठीक है, जो भी अनुपात आपने तय किया हुआ है उसमें बांटने के लिए साझेदारों के मध्य समझौता का एक क्या है, परिणाम है. ठीक है, एक रिजल्ट है. हाँ, आपस में हमने डिसाइड कर लिया कि हम इतने इतने बांटेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा पॉइंट, किसी समझौता या साझेदारी संलेख के नहीं रहने पर साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर होना चाहिए. ये हमने ऑलरेडी प्रोविज़न में पढ़ा हुआ है कि अगर कल को कोई पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगी, कोई अग्रीमेंट इनके बीच में नहीं हुई है, इन लोगों ने पहले से कोई रेशियो को तय ही नहीं किया है, कोई अनुपात को ही तय नहीं किया है, तो वैसी स्थिति में जो भी लाभ हानि का विभाजन होगा वो किस में होगा, बराबर बराबर, यानी कि 1:1 में होगा. ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर पॉइंट, पूंजी पर आधारित लाभ विभाजन अनुपात. ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में भी आते हैं. दो चीज़ थे जो, दो पॉइंट जो मैंने भी डिस्कस किया, इट्स अ वेरी सिंपल एंड क्लियर, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि आपने पहले तय कर लिया कि भैया हम 2:3:1 में प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे, रेशियो क्लियर है माइंड में, क्लियरिटी है, आपके प्रॉफिट हुए आपने उसमें बांट लिया. ठीक है, दूसरा चीज़ था कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, अग्रीमेंट ही नहीं हुई है, तो प्रोविज़न कहता है कि 1:1 में बांटो. ठीक है, बराबर बराबर में बांटो. अब जो तीसरी जो स्थिति आप देख रहे हो, क्या बोलता है, पूंजी पर आधारित लाभ विभाजन अनुपात, यानी कि जो आप कैपिटल लाए हो उस कैपिटल का रेशियो निकालिए. ठीक है ना, रेशियो निकाल के आप अपना क्या करिए, लाभ का विभाजन करिए. अगर आपके सवाल में, आपके क्वेश्चन में अगर रहता है ये वर्ड बोल देगा कि पूंजी पर आधारित लाभ विभाजन करना है, तो आपको तो करना पड़ेगा. ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. यदि साझेदारी संलेख में उल्लेख हो, या इवन आपने पार्टनरशिप डीड में भी क्लियर कर दिया है कि हम जो है पूंजी अनुपात में बांटेंगे, ठीक है, उल्लेख हो, तो लाभ हानि का विभाजन पूंजी के अनुपात में हो सकता है. पूंजी अनुपात यानी कि कैपिटल रेशियो पूंजी की प्रकृति पर निर्भर करता है. कहने का मतलब है, जैसे पार्टनर ए जो है वो 1 लाख लेकर आया, ठीक है, पार्टनर जो बी है वो 2 लाख लेकर आया, तो कितना हो जाएगा, 1:2, जो रेशियो होगा इनके बीच में क्या होगा, 1:2. ठीक है, तो ये इनकी कैपिटल रेशियो हो गई, इस पे ये बंटवारा करेंगे. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. फोर्थ नंबर, साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन वितरण लाभ हानि नियोजन खाता, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से किया जाता है. अर्थात सभी नियोजनों के पश्चात प्राप्त लाभ हानि का ही विभाजन किया जाना चाहिए. कहने का मतलब है, जो पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर खाता होता है, वो खाता का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, इस खाते के माध्यम से इनका जो है लाभ हानि का वितरण या फिर विभाजन होगा. सभी नियोजनों के पश्चात प्राप्त लाभ हानि का ही विभाजन किया जाना चाहिए. कहने का मतलब है, सभी नियोजन के पश्चात, आप देखिएगा जब मैं स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगी आपको दिखाई देती हूँ, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो ये पार्ट जो है
ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपके सामने देख सकते हो। जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से बिजनेस जो लेगा, जो पार्टनर्स के लिए वो क्या है, कहीं ना कहीं वो पार्टनर बिजनेस के लिए फ़ायदा, लेकिन पार्टनर के लिए वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि ये जो पीएल अकाउंट बन रही है किसके लिए बन रही है, पार्टनर्स के लिए बन रही है। इस जगह पे वो अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का विभाजन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, पार्टनर अपना जो प्रॉफिट है उसका कुछ पार्ट वो ट्रांसफर्स कर रहा है कहाँ पर, रिजर्व में। ये सारा कुछ करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसका आपको क्या करना है, बंटवारा करना है, ठीक है। अगर लॉस आएगा तो इधर हो जाएगा क्रेडिट साइड में, अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में, समझ में आई बात। तो इसी चीज को यहां पे बताया जा रहा है, जो ये आपका ये जो पॉइंट है ना 4 नंबर, इसी चीज को बताया जा रहा है। एक मिनट थोड़ा सा अच्छा से छट कर लो। देखो यहाँ पे इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन या वितरण लाभ हानि नियोजन खाता के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से किया जाता है, अर्थात सभी नियोजन के पश्चात प्राप्त लाभ हानि का ही विभाजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पूंजी अनुपात, कैपिटल रेशियो। कभी कभी साझेदार पूंजी अनुपात में लाभ हानि के वितरण का निश्चय करते हैं, इसलिए पूंजी अनुपात की गणना की आवश्यकता होती है। पूंजी अनुपात पूंजी की प्रकृति पर निर्भर करता है। पूंजी अनुपात की गणना निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है पहले ही पार्टनर्स जो हैं अपनी डीड में या अग्रीमेंट में पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हम जो विभाजन जो करेंगे, वितरण जो करेंगे लाभ का या हानि का, वो किस में करेंगे, कैपिटल रेशियो में करेंगे। तो वैसी स्थिति में थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी ज़रूरी है। तो क्या विधि है, नंबर वन पॉइंट में देखोगे, यदि साझेदारों की पूंजी स्थिर है, ध्यान दीजिएगा, यदि पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो फिक्स्ड मतलब स्थिर है, उसमें बीच बीच में बदलाव नहीं आ रहे हैं, वैसी स्थिति में तो बिना किसी समायोजन करने से पूर्व की पूंजी का अनुपात ही पूंजी अनुपात होगा। मतलब कोई एडजस्टमेंट करने की वहाँ पे ज़रूरत आपको नहीं है, बिना किसी समायोजन करने से पूर्व की जो भी पूंजी होगी वो अनुपात ही पूंजी अनुपात होगा। इसका कारण यह है कि सभी समायोजन साझेदारों के चालू खाते में लिखे जाते हैं, पूंजी खाते में नहीं। यानी कि जो भी होगा वो सारा का सारा वहाँ पर क्या होगा, स्थिर वाले में, फिक्स्ड वाले में क्या होगा कि जो आपके जो फ्लैक्चुएट जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारा कुछ आपका करंट अकाउंट में जाएगा, फिक्स्ड अकाउंट में नहीं जाएगा। तो फिक्स्ड अकाउंट में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, नॉर्मल वहाँ पर जो पहले से आपका है वही चीज़ वहाँ पर रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंजेस बीच में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे प्रॉफिट बढ़ी तो चेंजेस नहीं आ रहा उसमें जब भी चेंज आएगा वो साल में एक बार चेंजेस आएगा, बीच में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, डोंट वरी। सेकेंड पॉइंट कहता है यदि साझेदार परिवर्तनशील पूंजी खाते हैं, यानी कि क्या है, फ्लैक्चुएट जो कैपिटल अकाउंट है खाता है, तो पूंजी अनुपात की गणना भाती औसत विधि या गुणनफल विधि की जाती है। एक मेथड है, वो मेथड हम आगे के पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो आपको वो एवरेज मेथड है, ठीक है, या गुणनफल विधि मेथड है, उसके द्वारा आपको ये क्या करना होगा, निकालना होगा जो अनुपात होगा उसका निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, परिवर्तनशील यानी कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है, ठीक है। इसके दो पॉइंट हैं और भी बहुत अच्छे से समझाएंगे आगे वाले वीडियोज़ में, क्लियर हो जाएगा आपको जब मैं पढ़ाऊँगी ना फिक्स कैपिटल एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल टाइप में, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो मेन थीम है, मेन जो टॉपिक है, एक सेकेंड, वो टॉपिक है दैट इज़ कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होता है। अभी यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपको मैं डिस्कस कर देती हूँ, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, ठीक है। साझेदारों में लाभ का विभाजन, साझेदारी फर्म के स्थापना आपस में लाभ के विभाजन के उद्देश्य से की जाती है। अगर पार्टनरशिप फर्म की जो स्थापना होती है वो मायने पहले ही क्लियर होता है कि हम इसको बहुत अच्छे से बिजनेस को चलाएंगे और कल को अगर लाभ होता है तो हम आपस में क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, ठीक है ना। यही उद्देश्य, यही ऑब्जेक्टिव के साथ काम किया जाता है। अतः साझेदारी फर्म भी एकाकी व्यापार की तरह वर्ष के अंत में व्यापारिक खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार करती है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था क्लास 11 में, आपने क्या पढ़ा था, एकाकी व्यापार का पूरा बैलेंस शीट पढ़ा था। तो जैसे क्लास 11 में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, इसी तरह से यहाँ भी बनाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। साझेदारी फर्म की दशा में लाभ हानि खाते के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा प्रदर्शित शुद्ध लाभ को लाभ हानि नियोजन खाते के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हस्तांतरित करने की प्रथा है और इस खाते में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, आरोहण पर ब्याज, साझेदारों के वेतन, कमीशन आदि दे हो आदि के लिए आवश्यक समायोजन किया जाता है। आप क्लास 11 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद PL अकाउंट बनाते थे, जो भी नेट प्रॉफिट आता था उसको कैपिटल में जोड़ देते थे, अगर नेट लॉस आता था तो कैपिटल से माइनस कर देते थे, राइट। यही काम हम लोग करते थे वहाँ पे। लेकिन पार्टनरशिप जो चैप्टर अपना है, इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका अगर प्रॉफिट आता है या फिर जो भी लॉस आता है, तो उस प्रॉफिट लॉस को हम ट्रांसफ़र कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और इस खाते में पूंजी पर ब्याज लगाई जाती है, डाली जाती है, मतलब एडजस्टमेंट किया जाता है, आरओनओ पर ब्याज की ड्राइंग्स जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर, फिर साझेदारों के बीच में जो वेतन है, कमीशन है, जो भी दे होता है, जो भी पार्टनर्स को जो दे होता है, उन सारे चीज़ का हम जो है आवश्यक सारा कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है। इन समायोजनों के पश्चात प्राप्त शुद्ध लाभ, जो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो शुद्ध लाभ अर्थात समायोजित शुद्ध लाभ यानी कि एडजस्टेड नेट प्रॉफिट ही विभाजन योग्य लाभ यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर नेट प्रॉफिट और लॉस होता है। मतलब ये सारा जितना पार्टनर्स को दे है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सारा कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनली आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आता है, उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में विभाजन करते हैं। चाहे वो लॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट भी, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, लॉस प्रॉफिट जो भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राप्त शुद्ध लाभ हानि को साझेदारों में तय अनुपात यानी कि अग्रीड रेशियो, अब जो भी आपका आया एडजस्टेड नेट प्रॉफिट जो भी आपका आया, उसको अग्रीड रेशियो में या बराबर के, अगर मान लो अगर पार्टनरशिप डीडी नहीं बनी है तो फिर बराबर के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में क्या करना है, विभाजित किया जाता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर से मैं बोलूँगी एक चीज़, अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आप आए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको जो भी वीडियोज़ बनेंगे उसके तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ बोलूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ लाइक इट एंड जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, बिकॉज मैं चाहती हूँ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके बीच में अवेयरनेस आए, जितना ज़्यादा हो सके अवेयरनेस आए, अच्छे पढ़ाई लिखाई करें, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी बहुत ऊपर बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है, अपने आप को सब स्टैंडर्ड ना समझें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।